उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंग्रेजी की एक परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद स्टूडेंट्स को निराश होना पड़ा है। प्रदेश के बलिया जिले में पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इससे तमाम स्टूडेंट्स को निराशा हाथ लगी है। हालांकि बाद में बोर्ड ने कहा कि रद्द हुई परीक्षा को अब 13 अप्रैल को कराया जाएगा और इसके लिए सुबह 8 बजे का समय तय किया गया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज होने की खबरों के बाद लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर से मुलाकात की। ओपी राजभर बुधवार की शाम शिवपाल सिंह यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। मंगलवार को राजभर ने अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में भी हिस्सा लिया था। ये बैठक समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों से बातचीत के लिए बुलाई गई थी। हालांकि शिवपाल सिंह यादव इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद ये खबर आई कि शिवपाल यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर अखिलेश यादव से नाराज हैं। वहीं राजभर ने इन खबरों का खंडन किया। यूपी बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि एसटीएफ और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द अरेस्ट किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत हुई तो सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। किन परिस्थितियों में ये पर्चे लीक हुए हैं और कहाँ से लीक हुए हैं, किसकी मिलीभगत से हुए हैं, शिक्षा विभाग के स्तर से भी इसमें कार्रवाई की गई है और एसटीएफ तथा जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इसमें सभी पहलुओं को जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें और सही मुजरिमों को जेल के सलाखों के पीछे लाएं। आगे अगर आवश्यक होगा तो इस पर रासका इत्यादि की कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट की परीक्षा का एक पर्चा लीक होने के बाद सरकार और विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने पेपर लीक के मामले में योगी सरकार को जमकर घेरा है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पेपर लीक के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार दिखावे के लिए ही सही लेकिन माफियाओं पर कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। लखनऊ के बालू अड्डा के पास बीएसपी के एक नेता का अवैध अपार्टमेंट प्रशासन ने गिरवा दिया है। इस अपार्टमेंट का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से हुआ था। बताया जा रहा है कि यह अपार्टमेंट बीएसपी के नेता फहाद और एसपी विधायक मसूद हसन के भतीजे का है। इसे गिराने के लिए एलडीए की ओर से पूर्व में कई बार नोटिस भी दिए गए थे। बुधवार को प्रशासन ने इसी संबंध में कार्रवाई भी की। एलडीए की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। लोगों ने कहा कि लाखों रुपए की कीमत देकर यहां पर घर खरीदे गए थे और प्रशासन ने इन्हें जमींदोज कर दिया है।